हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ 7 व्हाट्सएप के सेटिंग्स जो आपका करना बेहद ही जरूरी है। देखिए, व्हाट्सएप तो आप लोग हर कोई चला लेते हैं, लेकिन आपको सेटिंग्स के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं रहता है। लेकिन वो सेटिंग्स अगर आप जान लेते हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वो कौन कौन सी है सेटिंग्स, मैं आपको थोड़ा कुछ पहले ही बता देता हूँ। देखिए, कभी कभी आपका स्टेटस आप जिसे नहीं दिखाना चाहते वो आपका स्टेटस देख लेता है, या फिर आप सिर्फ एक ही आदमी को स्टेटस दिखाना चाहते हो, या फिर आप जब भी ऑनलाइन रहते हो और किसी को ऑनलाइन नहीं दिखाना चाहते हो, किसी को DP नहीं दिखाना चाहते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, नोटिफिकेशन बहुत सारी आती है, इसी तरह के जितने भी परेशानी, आपका मोबाइल खो जाता है, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है, इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो आपको ये सेटिंग्स के बारे में सारी सेटिंग्स पता चल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप ये सेटिंग्स जानना चाहते हो तो प्लीज़ एंड तक देखिए, और इस वीडियो पसंद आने पर लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, क्योंकि मैं हर वीडियो भी जब भी लाऊंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन की ओर दिखाते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन की ओर मैं आ चुका हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, वो आपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हो उसके बाद आपको सेटिंग्स, आप राइट साइड के ऊपर आप देख पा रहे होंगे 3 डॉट है, उस पर आपको 3 डॉट पे आपको जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आपको 5वें नंबर पर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी में सबसे पहले फास्ट सेटिंग्स जो है, मैं आपको फास्ट सेटिंग्स है वो है कि आप अपना देखिए, किसी का अभी लास्ट सीन आप कोई भी देख लेता है तो आप अपना लास्ट सीन को यहाँ से बंद कर सकते हो कि आपका लास्ट सीन कोई भी कौन कौन देखेगा। तो आपका जो लास्ट सीन रहेगा तो आपका रहेगा एवरीवन, पहले से ही मतलब हर कोई देख सकेगा, अनन नंबर से भी आपका लास्ट सीन देख पाएंगे। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माय कॉन्टैक्ट्स, सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स ही आपको ऑनलाइन देख पाएंगे, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स वही सब ऑनलाइन देख पाएंगे। और सेकंड्स की आपका प्रोफाइल फ़ोटोज़ बहुत सारे लोग देख लेते हैं कि अनजान नंबर से आपका चेक करके कि आपने इस कौन सा प्रोफाइल फ़ोटोज़ रखे हैं। तो यहाँ से अपने प्रोफाइल फ़ोटो सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स से रख सकते हैं, जिसका जिसका आपने नंबर सेव करके रखे हैं आप वही आपका प्रोफाइल फ़ोटोज़ देख पाएंगे, या फिर नो बॉडी कर देंगे तो आपका कोई भी नहीं देख पाएगा। इसी तरह से अबाउट सेक्शन पे आप जो डालते हैं उस तरह से देखिएगा। इसके बाद तीसरे सेटिंग्स की ओर आते हैं, स्टेटस। स्टेटस सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। हाँ, स्टेटस में आपका क्या क्या होता है कि आपको देखिए, सबसे पहले आपका माई कॉन्टैक्ट रहता है, यानी आपका जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव किए हैं स्टेटस हर कोई देखेगा, चाहे आपका टीचर का हो, चाहे आप किसी फ्रेंड्स को, चाहे हर किसी का हो, आपका स्टेटस आपके फैमिली मेंबर हर कोई देख पाता है। और यहाँ से माई कॉन्टैक्ट्स अगर आप यहाँ से कर देते हो, आप जिसको जिसको चाहो स्टेटस नहीं दिखा सकते हो। जैसे कि मेरे स्टेटस में 3-4 आदमी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से ऑफ करके रख देता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा कि मेरा स्टेटस जो है इस 4 आदमी को नहीं दिखेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिसको जिसको मैंने टिक किया है ये लोग मेरे स्टेटस को नहीं देख पाएंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, आप देख पा रहे हैं ओनली शेयर विथ, मतलब यहाँ से आप जैसे टिक करोगे, आप यहाँ से चाहो तो जिसको जिसको आप दिखाना चाहते हो सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखेगा। अगर आप यहाँ से ओनली शेयर विथ में शेयर रखते हो, ओनली शेयर विथ रखते हो तो इन्हीं लोगों को दिखेगा। इस तरह से आपको सेटिंग्स कर लेना। तो मैं माई कॉन्टैक्ट्स कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सेटिंग्स है कि आपका जो आप किसी को भी मैसेज सेंड करते हो, और मैसेज सेंड करने के बाद आपका जो नीले टिक आ जाता है, उस तरह से आप यहाँ से ऑफ करके रख दो तो उसके मोबाइल में कभी भी नीले टिक नहीं जाएगा। इस पर भी आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इस पर से उसका कभी भी नीले टिक नहीं जाएगा, आप कोई भी मैसेज देखोगे तो। आप यहाँ से मैं ऑन करके रख देता हूँ। इसके बाद आता है कि आपका हर कोई अनजान नंबर से आपका ग्रुप में ज्वाइन कर देता है, या फिर कोई भी फ्रेंड्स, और आप चाहते हो कि सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स के ही ग्रुप ज्वाइन कर सकेंगे तो आप यहाँ से माई कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको अनजान नंबर से कभी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करेगा, और सेकंड बात क्या, पर नोटिफिकेशन कभी नहीं आएगा। इसके बाद और एक सेटिंग से मैं आपको दिखाते चलूँ। इसके बाद आपका क्या होता है, अगर आपका कभी मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर आपका हैक हो जाता है व्हाट्सएप, तो आप यहाँ से 2-स्टेप वेरीफिकेशन लगा लेते हो, तो आपका मोबाइल चोरी होने से भी आपका व्हाट्सएप कोई भी ओपन नहीं कर सकता, जब तक ना आप ये पासवर्ड नहीं डालते हो। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड डाल सकते हो, 2-स्टेप वेरीफिकेशन को ऑन कर सकते हो, फिर से आप यहाँ जैसे ही सेम डाल दोगे आपका उस तरह से पासवर्ड ले लेगा। तो इस तरह से आप 2-स्टेप वेरीफिकेशन को ऑन कर लेते हो, कर लेना। इसके बाद आपको दिखाते चलें कि उसके बाद और एक सेटिंग्स है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सेटिंग्स है। यहाँ से चैट से आप जैसे ही सेटिंग्स करते हो, आप बहुत सारे लोगों से चैट कर लेते हो और चाहते हो कि आप अपने चैट को अपने डाउनलोड करके आप किसी को भी फ्रेंड्स फैमिली के साथ कर सकते हो, चैट बैकअप कर सकते हो। यहाँ से आप जाइएगा और आपका यहाँ गूगल ड्राइव पर आपका जो चैट है वो आपका सेव हो जाएगा, लेकिन आपको ईमेल आईडी भी डालना होगा तभी जाके। और इसके बाद और एक फ्रेंड्स आपका बहुत बड़ा जो सेटिंग से आप क्या करते हैं, आपका डेटा जो कभी कभी अनजान में ख़त्म हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा डेटा कैसे ख़त्म हो गया, इससे आप बच सकते हो कैसे, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग्स पे जाने के बाद डेटा एंड स्टोरेज पे आपको जाना है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी आपका फ़ोटो डाउनलोड हो जाता है इस तरह के, तो आप यहाँ से क्या कर
आपको यहाँ से कुछ टिक मिलेगा इस तरह से, आप तो टिक को ऑन टिक कर दीजिएगा। इसमें से क्या होता है, ऑटो डाउनलोड फोटोज यानी मोबाइल डाटा जब भी ऑन रहता है तो आपका कोई भी फोटोज मैसेज आता है तो आप डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। इस तरह से अगर आपका वाईफाई में भी रहेगा तो आप इसे ऑन टिक कर दीजिएगा, आपका अनजाने में डेटा कभी नहीं रोमिंग होगा। तो दोस्तों आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये 7 इंपॉर्टेंट सेटिंग अगर वो जान लेते तो उसको काफ़ी हेल्प हो सकती है, और ये सेटिंग उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो पर हमेशा इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और लाइक करना ना भूलें हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। और दोस्तों और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप मुझे कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो के साथ, तब तक।